गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले को लेकर टीम इंडिया में हुआ बड़ा बदलाव। इन खिलाड़ियों की हुई टीम में वापसी तो साउथ अफ्रीका की टीम में भी हुआ बड़ा बदलाव। इन खिलाड़ियों के साथ उतरेगी दोनों टीमें मैदान पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम की बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव हुआ है, तो वहीं पर टीम इंडिया भी कई शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। इस मुकाबले की तमाम लाइव अपडेट के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को अपने ही होम ग्राउंड में हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करे तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की, तो दोनों ही टीमों के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है। जहाँ पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार है, तो वहीं पर गेंदबाजी भी काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। जहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, हर्षदीप सिंह, दीपक चहर जैसे खतरनाक खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद है, जो अब तक आक्रामक गेंदबाजी करते आए। तो वहीं पर बल्लेबाजी में भी अब तक विराट कोहली और साथ ही साथ रोहित शर्मा, जो अब तक बल्ले से कमाल नहीं कर पाए, तो इनसे टीम इंडिया बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी। वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो इस टीम के पास भी बल्लेबाजी में काफ़ी शानदार खिलाड़ी मौजूद है। वैसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम देखे तो यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की फौज इस टीम के पास मौजूद है, जो यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस कर सकती है। हम बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे टीम के कप्तान टेम्बा बाउमा के साथ क्विंटन डिकोक। जहाँ पर क्विंटन डिकोक भले ही पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर ये कमाल की पारियाँ खेलने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर राइली रासो की जगह पर हेनरिक क्लासेन इस टीम की तरफ से उतरने वाले, तो नंबर 4 पर एडन मार्करम, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 7 पर वेन पाल, नंबर 8 पर केशव महाराज, नंबर 9 पर कगिसो रबाडा, तो नंबर 10 पर हेनरिक नोर्तिया, तो नंबर 11 पर तेबरेज शम्सी को साउथ अफ्रीका की टीम हिस्सा देने वाली है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम भी काफ़ी शानदार फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं केएल राहुल अपने बल्ले से। और ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ वैसे भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी एक बार फिर हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर इनफॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली उतरेंगे, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव हमें शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उतरेंगे, तो नंबर 6 पर फिनिशर का रोल निभाते हुए दिखेंगे दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, तो नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन उतरेंगे, वहीं नंबर 9 पर हर्षल पटेल, तो नंबर 10 पर हर्षदीप सिंह, तो नंबर 11 पर दीपक चहर को टीम इंडिया मौका देने वाली है। वैसे यहाँ पर देखें तो दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार फॉर्म में, और दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस अब तक काफ़ी शानदार भी देखने को मिला है। हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार 2 अक्टूबर को शाम के 7:30 पर, और इस मुकाबले को लाइव आप मोबाइल में डिजनी प्लस हॉटस्टार और टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट के चैनलों पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है, और आपके हिसाब से इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट क्या रह सकती है, और इस मुकाबले की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।